केंद्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक वर्ष पूरा होने के बाद भाजपा की ओर से बूथ महासंपर्क अभियान की शुरुआत की गई। इसके माध्यम से मोदी सरकार की उपलब्धियों को आमजन तक पहुंचाया जा रहा है। इस दौरान भाजपा नेता और कार्यकर्ता घर घर जाकर पीएम मोदी के नाम का पत्र दे रहे हैं और इस पत्र के माध्यम से लोगों को मोदी सरकार की उपलब्धियों की जानकारी भी दी जा रही है। वहीं अभियान की शुरुआत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने आमेर विधानसभा क्षेत्र से की है। इस मौके पर पूनिया ने कहा कि पूरे राजस्थान में आज से 14 जून तक ये अभियान चलने वाला है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए यह अभियान चलाया जा रहा है। इस अवसर पर चौमू से भाजपा विधायक रामलाल शर्मा समेत भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के बूथों पर जाकर पीएम मोदी के नाम का पत्र आमजन तक पहुंचाया और मोदी सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी। इस एक वर्ष के कालखंड को मोदी सरकार टूटे एक वर्ष की वर्ष पूर्ति के कार्यक्रम के निमित्त आज ये बूथ संपर्क अभियान इसकी शुरुआत हम लोगों ने करी है। पूरे राजस्थान भर में आज से और 8 से 14 तक ये पूरे राजस्थान भर में ये कार्यक्रम रहेगा। न्यूनतम 50 से 100 घरों तक मोदी जी का पत्र जो उन्होंने लिखा है हिंदुस्तान के सब देशवासियों को, वो पत्र लेके जाएंगे इस एहसास के साथ कि इस पूरे एक वर्ष में श्री राम जन्मभूमि से लेके नागरिकता संशोधन कानून से लेके ट्रिपल तलाक से लेके अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने से लेके भारत के जो वैचारिक मुद्दे थे उनका समाधान हुआ और इससे भारत का गौरव भी बढ़ा और भारत की ताकत बढ़ी। लेकिन इससे आगे बढ़ के कोरोना के संक्रमण को 135 करोड़ की आबादी को जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने लड़ा है वो अभिनंदनीय है। इसलिए हम लोग इसके साथ साथ लोगों को जागरूकता का भी संदेश दे रहे हैं। आप